तो ये गोभी पूरी की पूरी इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। सो हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निशांत। अगर आप पिछला वीडियो देखकर आए हो तो आपको पता है मैं हूं दीपक ताल के पास और इधर हमने टेंट लगा लिया अपना। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, ठंड बढ़ गई है यहां पर। सितंबर का महीना है तो ठंड अच्छी खासी होगी। अभी हम खाना वाना बनाएंगे, जो भी बनाएंगे आपको दिखा देंगे। थोड़ा क्लाउडी है, अगर स्काई क्लियर होता है तो रात को बहुत अच्छे नाइट स्काई दिखेगा और मिल्की वे भी दिख सकती है, क्योंकि आज अमावस की रात है तो आज चांद नहीं निकलेगा बिल्कुल भी, मतलब उजाला नहीं रहेगा रात में, बिल्कुल डार्क होगा, तो उसमें बड़ा मज़ा आने वाला है। देखो भाई साहब कितनी मेहनत होती है कैंप करने में। वीडियो में हम दिखा रहे हैं, तो ये देखो यहाँ से हम ऊपर से आए हैं। इतना डिफ़िकल्ट रास्ता था पानी भरने के लिए। वैसे हम लेक से भी भर सकते थे लेकिन लेक में क्या होता है, पानी रुक जाता है, फ्लो उतना तेज़ नहीं होता। ये पानी फ्रेश है। चलो चलो, तो चाय का प्रबंध हो चुका है। कर दे। क्या कर दो? बहुत सामान है भाई साहब, पूरा किचन उठा के ले आए हम। वर्क का स्टोव देखो, असली स्टोव यही है। इसको रात भर भी चला के बैठूंगा खत्म नहीं होगा। मैं चल अपनी जर्नी रिकॉर्ड कर लेते हैं, देख दे बाद में फिर एडिट कर डाल दी। वही तो मैंने सोचा भी नहीं था, मतलब व्यूज़ भी आएंगे उस पर, ऐसा कुछ होता भी है। बाद में देखा तो व्यूज़ आने लग गए उसमें, डेली चल रही है, हज़ार हज़ार लोग देख रहे हैं उसको। गाली मत दिया कर, वीडियो चल रही होती है। गाली कर दी मैंने। यही होता है, टू कर दिया जिसको, जिसको आदत होती है ना गाली देने की, उसको पता ही लगता कब दे गया वो। ऐसे कर दियो टू। तो ये गोभी पूरी की पूरी इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। आलू छिलेंगे, सब्जी मैं बनाऊंगा और मैं सब्जी काट रहा हूँ, ये सब्जी काटेगा। अभी बज गए 7 और 7:30 बजे से मिल्की वे दिखना शुरू हो जाएगा। 7:30 बजे से नहीं, अब 7:45 8 बजे एकदम विजुअल होगा पूरा प्रॉपर। मज़ा आ जाएगा फिर। अरे बहुत मज़ा आएगा, ढेर मज़ा आ जाएगा। चाकू चाकू हल्का पड़ गया आलू के हिसाब से। ओ भाई तो कैसे कटेगा, गल भी जाएगा ये?
ये तो जूस वाले नहीं काटते, छिलका निकालते, वैसे काटना पड़ रहा है इसको। हम लोग अपना दूसरा स्टोव भी निकाल रहे हैं, एक में चावल बन जाएंगे, एक में सब्जी बन जाएगी, फटाफट काम हो जाएगा। लाइट जलाई है, नाक में चढ़ गई। यहीं लगा दूं? तो दोस्तों ये देखिए, ये लाहौल के आलू हैं। आलू कम सेब ज़्यादा लग रहे हैं। आज हम सेब और गोभी की सब्ज़ी खाएंगे। ये गोभी है, हम बना रहे गोभी आलू। तो सब्जी वगैरह बन जाए उसके बाद खाएंगे, और स्टार्स अभी से दिखने लग गए हैं तो जल्दी से अपने को ये वाला काम जो है कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को स्टार्स देखने हैं यार। आज आसमान साफ है एकदम, तो बढ़िया स्टार्स दिखेंगे आज। क्यों भाई, मुबारक। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये जो दिख रहा है ना काला काला, यही मुबारक। मैं हूँ वो, क्योंकि अंधेरा है उधर आज, क्योंकि अमावस्या की रात है, इसलिए मैं दिखाई नहीं दे रहा आज, सिर्फ तारे दिखाई देंगे। चांद है ये, खुद तो चांद बोल रहा है। आलू भी डाल दिए मैंने इसमें, अब बस इसको पकने का इंतज़ार करना है। सिंपल सी रेसिपी है, और इधर अपने चावल बन रहे हैं और इधर अपनी सब्जी बन रही है। इसके ऊपर डालिए, बस 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 बस, तो यार हमारी ये गोभी की सब्जी जो है बन चुकी है एकदम मस्त। और इधर राइस भी रेडी हो गए, और बंदे भी रेडी हैं खाने के लिए। भूख लगी, बंदे भयंकर रेडी हैं भाई, बहुत तेज भूख लग रही है। 5 मिनट और रखते हैं बस। मस्त सब्जी बनी है देखो। कम 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 कम, बस ठीक है, उसको ढक दे इसको। तो ये हमारे बन गए हैं गोभी आलू की सब्जी और राइस, काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में। तो गोभी आलू खाते हैं अब। सही बना है, बहुत बढ़िया बना है यार, सब मस्त है, सब मस्त है। जिस तरह की कंडीशंस में बनाया है उस हिसाब से काफ़ी टेस्टी बना है। तो भाई लोग, हम लोग आ चुके हैं अपने टेंट के अंदर, और ये मेरा 800 रुपये वाला स्लीपिंग बैग है, इसी को मैं यूज़ करने वाला हूँ आज। बाहर का टेम्परेचर होगा 2-3 डिग्री और ठंड है अच्छी खासी, हवा नहीं चल रही है जिसकी वजह से हमें इतनी ठंड नहीं लग रही है। और खाना वाना सब कुछ हो चुका है। बाहर जो मिल्की वे का नज़ारा है ना भाई, वो आप मेरे टाइम लैप्स में देखना, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी हम लोग सो रहे हैं, सुबह उठेंगे, देखते हैं आगे का क्या प्लान है, वो आपको सुबह ही पता लगेगा। तो अभी सो जाते हैं, और लाइटिंग आपको थोड़ी कम दिखेगी मेरे वीडियो में, क्योंकि मैं भाई नेचुरल लाइटिंग रखने की कोशिश करता हूँ, ऐसे बिल्कुल होटल की तरह 10-10 LED बल्ब लगा के मैं कैंपिंग नहीं करता हूँ। तो गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मौसम बहुत ही ठंडा है। नींद बहुत अच्छी आई रात को, लेकिन 1 बजे तक मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि जो है मेरा जो सोने की जगह है इसके नीचे काफ़ी सारे पत्थर थे,
तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अपनी जैकेट बिछाई, जैकेट के ऊपर ये बिछाया और तब जाके मुझे नींद आई। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, ये स्लीपिंग बैग ने काम कर दिया और मुझे इसमें थोड़ी थोड़ी गर्मी भी लगने लगी थी, लेकिन ये है कि हाँ 2-3 डिग्री था टेम्परेचर रात को, या 4 डिग्री होगा, तो उसमें बढ़िया काम किया स्लीपिंग बैग ने। और मौसम तो अभी थोड़ा क्लाउडी सा है, और बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, ये है हमारे बाहर टेंट का नज़ारा, ये लेक है और आसमान थोड़ा थोड़ा क्लाउडी है। पहले बन रही है चाय, फिर बनेगी मैगी। ज़्यादा डाल ले, मैगी के लिए भी बन जाएगा ना, इसी में मैगी डाल देंगे। मैगी वैगी खा ली है, कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली है, अभी चलते हैं आगे। फिर यहाँ से सामान वामान पैक करते हैं अपना, और ये सारा सामान अभी फैला हुआ है तो यहाँ पे सब कुछ क्लीन करके जाएंगे, ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे। कचरा वचरा सब अपना साथ में लेके जाते हैं हम लोग, तो करते हैं सब कुछ रेडी। तो सामान हमारा सारा पैक हो चुका है, टेंट भी हमने समेट लिया है, और जो हमने रैपर वगैरह जो भी यहाँ पे यूज़ किया था, सारा सामान हमने कचरा जो है पैक कर लिया है। तो यहाँ पे कोई सा भी कचरा हम लोग छोड़ के नहीं जा रहे हैं, सामान सारा हमारा पैक हो चुका है। बस हम लोग अब जिस्पा की तरफ निकल रहे हैं, यहाँ से थोड़ा वॉकिंग करके जाना पड़ेगा रोड तक, क्योंकि बाइक्स हमारी वहीं पर खड़ी हैं और ये सैडल बैग लेके चलना बहुत भारी काम है यार, बैंड बजेगी अभी वापस जाने में भी।